वाह, या मैं ऐसे कुछ बना के रखे। एक एक रूम का 2009 रहते ना ऊपर में ना, ऊपर में विजिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओ, या में क्या क्या मिलता है खाने को? या में खाने का तो सर अभी हम लोग तो ये सर गए गैस, या में बहुत कुछ है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये मेरा 2021 का फर्स्ट वीडियो है। आप सबको मेरा तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज आप लोग को मैं आलो का एक खूबसूरत जगह को दिखाऊंगा। अभी हम आलो कुछ काम से जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को मैं वो जगह को आप लोग को मैं दिखा दूँ। आप सब कमेंट कर रहा था कि आलो का वीडियो बनाओ बोल के, तो मैं वीडियो लेके आ गया आप सबको। आज मैं दिखाऊँगा आलो का एक खूबसूरत जगह। तो अभी हम निकल रहे घर से, अभी यहाँ में काम चल रहा है, हाईवे कटिंग चल रहा है। ये में भी पूरा रास्ता बना रहे। अभी यहाँ में हाईवे कटिंग चल रहा है, उसका वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब धूप होने से बहुत धूली होता है, उसका बाद ये बारिश हो रहे थे, बहुत कीचड़ होता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जल्दी करने से थी कि ये हाईवे कटिंग लोग, अभी चल रहा है यहाँ में हाईवे कटिंग। गाड़ी यहाँ में मेरा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस साइड में 2-व्हीलर को, उस साइड में 4-व्हीलर को पार्किंग करते हैं। आप उल्टा बुलटा पार्किंग नहीं कर सकते आलो में, यहाँ में आलो में, लेकिन पार्किंग चार्ज वो सब कुछ भी नहीं लेते। हम यहाँ मेरा काम को करने आया था, आलो में पार्किंग चार्ज कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन अब बाइक को बाइक वाला जगह में पार्किंग करना है, उसके बाद कार को कार वाला जगह में पार्किंग करना है, नहीं तो फाइन लेगा। अभी हम उस साइड से आए और ये है आलो टाउन का रास्ता और ये मेचुका जाने का रास्ता। अभी हम यहाँ से जाएंगे, थोड़ा ये आगे में ही है और ये है आलो का हाईवे। ये हाईवे में आलो की जलपरी यहाँ में इवनिंग वॉक करते हैं। आप लोग सुना ही था होगा आलो आलो गाना में, आलो की जलपरी इवनिंग वॉक के नाम पे काबू के हाईवे पे रोज देखने को मिलता। ये है मेन हाईवे, आपको इसको छोड़ के यहाँ से जाना है, कोजी यहाँ से जाता है, जहाँ में गैस एजेंसी, यहाँ में ये आगे में गैस वो सब देते हैं, सिलेंडर गैस सिलेंडर वो सब यहाँ में देते हैं। और आलो की जलपरी यहाँ में वॉकिंग करने आता है। चलो तब तो यहाँ से आलो 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 का गालो में रहता लड़का पे आलो आलो पे चला मेरा। अभी हम गलत रास्ता से आ गया था, वहाँ से सीधा जाना है। यहाँ से आदमी लोग को पूछा है तो लोग वहाँ से सीधा जाना है बोल रहा था। अभी पता नहीं, हम इतना नहीं घूमता है तो इसलिए हम इतना नहीं जानते, अभी वहाँ से जाएंगे। हम गलती से उस साइड चला गया था,
आपको जाना है यहाँ से, इस साइड से जाना है। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ में, अभी हम पहुंच गए हैं कोजी में। आपको अभी दिखाऊंगा कोजी रिसोर्ट्स। ये है वेलकम टू कोजी। ये है एंट्री पॉइंट, देख सकते हैं बाहर का। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। देख सकते हैं आप, वाह। बहुत सुंदर है और बहुत फ्रेश है। आई लव कोजी, इसको ही दिखने आया था। इसका पीछे में ये है यमगो रिवर। आदमी लोग वहाँ में मछली ले रहे। ये यमगो रिवर यहाँ से जाके मतलब उसमें सियांग रिवर में मिल जाता है नीचे में। बहुत सुंदर है। आप लोग भी यहाँ में आलो में आने से ज़रूर विजिट करना ये प्लेस को। अभी भी बना रहे यहाँ में, बहुत कुछ बना रहे। ये है, चलो अंदर घुस के देखते हैं। वाओ, यहाँ में ऐसे कुछ बना के रखा है। ये है गालो ट्रेडिशनल मोपिन ड्रेस, लड़का और लड़की। वाओ, दरिया में देख सकते हैं भैया में रूम कैसे कैसे देते हैं ना। रूम ये 2900 देते हैं। एक रूम का 2900 देते हैं ना जी। ऊपर में ना, ऊपर में और विजिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओ, यहाँ में क्या क्या मिलता है खाने को? यहाँ में खाने का तो सही, अभी हम लोग तो ये सब गए यही मिला। ओ, आपसे नहीं मिला एक्चुअली। गाइस, यहाँ में बहुत कुछ है, आप यहाँ में इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ में बहुत आदमी आता है। नए है क्या ये रिसोर्ट जो? क्या ये कोजी नया है क्या? नया नहीं है, पहले से है। पहले से है क्या? कितना साल हो गया? 3 साल। अब इतना मतलब आई लव कोजी लिखा तो वो तो नया है ना। ओ, ऊपर का विजिट कर सकते हैं ना भाई ना। ओ होगा, थैंक यू। चलो तब तो, बहुत स्टैंडर्ड से रखा है। देखो लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। वाओ,
बहुत सुंदर देख सकते हैं। वाह क्या सुंदर है। इस साइड से भी जाके देखते हैं। एंट्री पॉइंट ये है, मेरा गाड़ी वहाँ में है। बहुत सुंदर है ये जगह, VIP रूम। और यहाँ से व्यू ओ इस तरह दिखते हैं, वो है आलो टाउन उस साइड में। और ये यमगो रिवर, पहले आप लोग को मैं बता चुका है, ये आगे जाके उसमें सियांग रिवर में मिल जाता है, जो चाइना से आने वाला पानी। गैस आप लोग मेचुका वो सब जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आलो में आने से आप यहाँ में स्टे कर सकते हैं, यहाँ में रुक सकते हैं। एक रात का कितना बोला है बताना है, वो भैया को फिर से पूछना पड़ेगा, भूलिए हम भी भूल कर रहे आप। और यह में भी कुछ है क्या, अंदर बहुत मजा है। भैया कितना बोला था एक रात का, मतलब स्टे करने से 2000 ना, एक रात स्टे करने से ना 2900। ओ तो गाइस यहाँ में एक रात रुकने के लिए 2900 थे। गाइज ये है कोजी, आप लोग यहाँ में आलो आने से एक बार विजिट ज़रूर कर लेना, ये बहुत मज़ा है ये जगह। अभी हम जा रहे हैं उसको हम देखने के लिए आया था, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बाय बाय कोजी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम गाड़ी में आ गया है।